पवन के बड़े बेटे से मिली। जी हाँ, आप कहेंगे शादी तो हुई लेकिन पवन का तो बेटा है ही नहीं, तो हम आपको पवन के बेटे से कैसे मिलवा रहे। अरे जनाब, हम आपको पवन के भाई के बेटे से मिलवा रहे हैं जिसका कल था हैप्पी वाला बर्थडे, और ऐसे मौके को पवन सिंह ने बहुत ही खास बनाया। पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपने भाई के बड़े बेटे का बर्थडे मनाया और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और साथ ही ये भी लिखा कि अपने बड़े बेटे का जन्मदिन मनाते हुए। अब आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह अपने बड़े बेटे का जन्मदिन यानी कि अपने बड़े भाई के बेटे का जन्मदिन मनाते हुए अपने आरा वाले घर पर नज़र आ रहे हैं जो कि आरा सिटी में है। और आपको बता दें, वहीं इन दिनों उनकी माँ भी है और पवन सिंह से मिलने आए दिन उनके फैंस वहीं आते हैं। जो भी कार्यक्रम उनके गाँव में होता है पवन सिंह वहाँ भी पहुँच रहे हैं। गांव में क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है, कितना लोग कोविड को लेकर सावधान है, सभी चीज़ें पवन सिंह बदस्तूर कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह जो है घर के एक एक मेंबर के बर्थडे को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आजकल पवन सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया की ताकत को समझ ली है उन्होंने। कल ही लाइव आकर उन्होंने भोजपुरी को बदनाम करने वालों की अच्छी खासी क्लास ली। उसके बाद पवन सिंह ने सभी को धन्यवाद किया, जो कि उनका गाना हसीना ए पुदीना को जिस तरह की सक्सेस मिली है, यूट्यूब के म्यूज़िक में ट्रेंडिंग नंबर वन चल रहा है ये गाना, लोगों को ये गाना बहुत रास आया है। तो एक साथ कई चीज़ों को सेलिब्रेट करते अपने इस लाइव में पवन सिंह आए थे और पवन सिंह के इस लाइव को उनके फैंस ने बहुत सारा प्यार दिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।